अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैंने बहुत ही ज़्यादा किए हैं अमियों वाले काम, क्योंकि जब किसी भी लड़की की शादी हो जाती है ना, तो सारी अमियों जैसे काम जो है ना वो करने पड़ते हैं। सबसे पहले मैंने बनाया साग, ठीक है, रात का लगी हुई थी, सुबह उसको किया कंप्लीट मैंने तकरीबन 10 बजे, और अब बज गए हैं 8 रात के। तो मैंने बनाया था देसी घी के वेस्ट जो होता है, वेस्ट नहीं आप कह सकते, उसका जो वो नीचे खोए टाइप बच जाता है ना, उसमें घी की क्वांटिटी भी अच्छी खासी होती है, वो था मेरे पास तकरीबन ऑलमोस्ट घी मेरा 2.25 किलो के करीब बन गया, और उसका जो वेस्ट था ना वो तकरीबन 3-4 कप था, और वो बहुत ही अच्छी उसकी खुशबू आ रही थी, क्योंकि मैं फ्रीज़ करती हूँ मलाई, तो उसमें मैंने 1 कप आटा जो है गंदम का आटा उसको हल्की आग पे भूनते भूनते गोल्डन कर लिया, तो वो जो खोया बचा था घी का उसमें डाल दिया। फिर मैंने तकरीबन 1 ही कप के करीब जो है ना वो इसमें डाल दिए ड्राई फ्रूट्स और कुछ फ्रूट जो है बादाम, इस तरह से मोटे मोटे दरदरे से पीस के मैंने डाल दिए, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, और इलायची और चीनी हाफ कप लेके उसको ग्राइंड करके, तो ये मैंने शामिल कर दी, और इसमें मैंने कोई घी नहीं डाला। और यकीन करिए इतनी टेस्टी और इतना कोई हेल्दी किस्म का ये जो है ना प्रोटीन पाउडर मैंने बना के रखा हुआ था, लास्ट ईयर मैंने जो था ना उसकी वीडियो भी शेयर की थी, वो मैंने इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप के करीब डाल दिया। उसमें सारे ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के मैंने ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, और साथ आज मैंने बनाई रबड़ी के जैसी खीर। ये मेरे पास दूध था 4 kg, मतलब 4 लीटर, उसमें थोड़े से बॉयल चावल डाल के ये मैंने खीर बना ली, और अगर साग की शक्ल देखना चाहें तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही टेस्टी बना था। और मुझे मेरी फूफू की याद आ गई, क्योंकि मेरी जो फूफू है ना उनको साग बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए मैंने कुछ तड़का लगा के रख लिया, और कुछ मैंने पैसे जो है ना वो संभाल लिया, तो आज का हमारा डिनर होगा सिंपल सा यहीं। इसको मैं 2 हिस्सों में कर लूँगी डिवाइड, एक दूंगी अपनी अम्मी को और एक बच्चे मैं और मेरी हेल्पर भी, मैंने अपनी हेल्पर को दी, तो कहती भाजी इतनी कोई कमाल की बनी है कि बहुत ही पूरे घर में इसकी खुशबू फैली हुई है, कहती है। अभी वो जो है ना वो उधर बैठी, ये देखें, साथ टीवी देख रही है, और साथ जो है ना वो ये इंजॉय कर रही है, तो मैंने इसको अभी बना के दिया, कहती भाजी बहुत अच्छी बनी है, बच्ची है मेरी बड़ी अच्छी है माशाल्लाह से, और बड़ी मेरी हेल्प करती है, एहसास वाली बच्ची है, तो इस वजह से मुझे भी इसके साथ सही वाला प्यार है जो बच्चों के साथ होता है। सारे काम कर लिए मैंने ख़त्म, और अब इधर बैठ के चोरी चोरी मुझे करनी है अपनी अम्मी से बात, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो हर टाइम मोगली 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 वाले जो कार्टून है ना वो देखते रहते हैं, और इधर मैं लेट के मूवी देख रही थी, लाइट ऑफ थी, और बच्चे सो रहे थे, असर की नमाज पढ़ने के बाद देखिए पिल्लो इधर के इधर ही पड़े हुए हैं, और मुझे फर्श के ऊपर लेटना जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखें लाइट कितनी बुरी सूटते हैं, वाले कपड़े हमारे सारे आयरन होने वाले पड़े, वरना ऑलमोस्ट मैं फ्राइडे वाले दिन वॉश करके सैटरडे वाले दिन हमारे जो है ना वो आयरन होके चले जाते हैं अपने अपने वार्डरोब में। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।